अपनी कल्याण यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी श्रीपुर आ पहुंचे। प्रणाम मोहन जी। आशीर्वाद। स्वस्थ तो हो ना? हाँ प्रणाम। शुभम भवतु। आशीर्वाद दीजिए। कल्याण। ईश्वर मंगल करे। बाल योगी है, सुबह से यहीं ठहरे हैं। सब सुनिए, संध्या काल हो रहा है, सब सचेत हो जाइए, अपने मवेशियों को घर के अंदर ले लीजिए, बच्चों को भी ले लीजिए, सचेत रहिए। खेलना बंद करो, पता है ना बाहर कितना खतरा है। घर का ताला अंदर से बंद कर लेना, कोई बाहर ना निकले, ध्यान रखना। चलो चलो जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी सब कुछ अंदर रख दो। चलो चलो जल्दी करो। मैंने इस तरफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर भी सब बंद कर दिया है। चलो जरा जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। पीछे के सारे दरवाजे भी बंद कर दो। हाँ भैया। अरे कोई खिड़कियाँ भी खुली मत छोड़ना। अरे सामान आने के बाद अपने सभी लोगों को अंदर बुला लो, कोई बाहर ना रह जाए। बेटे मैं इस कमलेश्वर मठ का महंत हूँ। अंधेरा हो रहा है और रात बहुत डरावनी होगी, मठ के अंदर आकर रहो। अंतर का उजास बाहर के अंधेरे से डरने ही नहीं देता। अच्छा अगर मठ में रहना नहीं चाहते हो तो फिर श्रीपुर गांव में कोई और ठिकाना ढूंढ लो, लेकिन यहां मत रुको। मैं बस्ती से दूर एकांत में रहना अधिक पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ रुकने में खतरा है, यहाँ रात में खूंखार जानवर आते रहते हैं, इंसान हो या मवेशी किसी का भी शिकार कर लेते हैं। यहाँ रात की हवा में मृत्यु मंडराती रहती है। तो आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपकी किवाड़ या दीवार मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, लेकिन सामने से मृत्यु को गले लगाना भी तो उचित नहीं। यदि मृत्यु को कोई रोक ही नहीं सकता तो उससे डरना भी क्यों? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहां मोह नहीं वहां भय नहीं। तुम बालक भी हो और योगी भी। अब बाल हठ और योगी हठ दोनों को तो मैं नहीं छोड़वा सकता। वैसे मठ में सदैव तुम्हारा स्वागत है, मन करे तो चले आना। मुझे भय है अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो इसकी मौत निश्चित है। Thank you.
ये क्या? मैं ये क्या देख रहा हूं? अकल्पनीय है। जहां दिव्य प्रेम हो वहां भय नहीं हो सकता। स्वामी स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी। स्वामी स्वामी अब आप कहीं ना जाइए। ये मेरा मठ, मेरी महंती, मैं स्वयं, सब कुछ आपका है स्वामी। कृपया स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मेरा मठ तो सारा विश्व है। उस मठ को छोड़कर मैं इस मठ को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? और इन सब में ही बंधे रहना होता तो घर का त्याग ही क्यों करता? प्रभु, हमारा प्रेम स्वीकार कर यहीं रुक जाइए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो मेरी ही सेवा करते हो। जब तुम दूसरों को प्रेम करते हो तो मुझे ही प्रेम करते हो। हर एक जीव में बसे परमात्मा के स्वरूप का आदर करना और उस आदर से हर एक को समान भाव से अपनाकर कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना, वो नीलकंठ वर्णी की अनूठी शैली थी।